नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया, जहां कोलकाता के जोरा सांको ठाकुरबाड़ी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शाह ने बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पेट्रापोल में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ के कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों को लेकर अमित शाह ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ गहरे संबंध साझा करता है। हमारी संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और जीवन शैली हजारों सालों से आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों को कभी नहीं तोड़ सकता है। भारत ने बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राजधानी इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पाकिस्तान रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से इमरान खान को गिरफ्तार किया। वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने बयान भी जारी किया है। इस्लामाबाद आईजी ने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी कादिर ट्रस्ट केस में हुई है। फिलहाल हालात सामान्य है। आईजी ने बताया कि धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजनाएं लोगों को सस्ते बीमा कवच और सामाजिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2015 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं वित्त मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 26 अप्रैल 2023 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ 16.2 करोड़, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ 34.2 करोड़ और अटल पेंशन योजना के साथ 5.2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 MOU पर साइन किए गए। इसका उद्देश्य ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और दूसरे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इसके साथ ही इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि मैं पीएम मोदी से दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करूंगा, ताकि दोनों के बीच रिश्ते और मजबूत हो सकें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए हाई वोल्टेज प्रचार अभियान बीते सोमवार को थम गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्होंने उनके सपनों को अपने सपने के रूप में देखा है। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पीएम मोदी ने कहा कि हर कंडिगा का सपना मेरा अपना सपना है, आपका संकल्प मेरा संकल्प है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में कर्नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही हम दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार का निर्णायक, केंद्रित और भविष्यवादी नजरिया कर्नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां किदवई नगर के कमर्शियल मैदान में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी ने संबोधित किया। सीएम ने लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि पूर्ववर्ती सपा बसपा सरकार ने प्रदेश को कई दशक पीछे धकेला था, भाजपा ने विकास की गति को तेज किया है। उन्होंने कहा कि कानपुर में पहले कट्टे बनते थे, उपद्रव और दंगे होते थे, अब उत्सव मनाते हैं। युवाओं के हाथों में पहले तमंचे होते थे, अब टैबलेट्स हैं। राजस्थान में मारवाड़ के बाड़मेर में मिले तेल और गैस के विशाल भंडारों के बाद अब राजस्थान के नागौर के डेगाना में लिथियम का विशाल भंडार खोजा गया है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान ने दावा किया है कि लिथियम का ये नया भंडार जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से भी बड़ा है। इससे देश में लिथियम की कुल मांग का 80% तक पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि रिचार्जेबल बैटरी बनाने में सबसे ज्यादा लिथियम काम में लिया जाता है।
ओडिशा के कालाहांडी जिले में आज पुलिस ने मुठभेड़ में 3 माओवादियों को मार गिराया। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। ओडिशा के डीजीपी ने बताया कि ये मुठभेड़ तापरेंग लुदेनगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट के पास कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान हुई। इसमें 3 माओवादी मारे गए, जबकि गोलीबारी में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी घायल हुए हैं। इसके साथ ही घटनास्थल से एक AK-47 बरामद की गई है। टेरर फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्शन में है। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी और पुंछ में NIA की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी NIA ने 10 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया। अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी ने PFI से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड मारी है। ये रेड इस मामले में पहले से दर्ज FIR की जांच के दौरान की गई है। द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर जमकर समर्थन और विरोध जारी है। इस बीच अब उत्तर प्रदेश में भी इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई है। CM योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही है। तो वहीं CM योगी 12 मई को इस फिल्म को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में देख सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। श्रद्धा वाकर हत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत ने हत्या आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप आज तय किए हैं। आफताब पर आरोप लगाए गए हैं कि हत्या करने के अलावा उसने सबूत मिटाने की कोशिश की है। 1 जून को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें कि आफताब पर 18 मई 2022 को अपनी लिव इन पत्नी श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल बोराड नदी पर बने पुल से एक यात्री बस 50 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खरगोन में हुई बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। इसके साथ ही CM शिवराज ने हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 जबकि अन्य घायलों को 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। भारत में कोरोना के सक्रिय और नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,331 नए मामले सामने आए, जबकि ये आंकड़ा सोमवार को 1,839 था। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 25,000 से घटकर 22,000 रह गई है। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामले अब कुल संक्रमणों का मात्र 0.6% रह गया है। प्रभास और कृति सैनन स्टारर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। कई विवादों का सामना कर चुकी इस फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच मेकर्स ने आज आदि पुरुष का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है। ट्रेलर को टीज सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर रिलीज किया गया है। लॉन्च होने के 5 मिनट के भीतर ही ट्रेलर को लाखों व्यूज मिल गए। वहीं अब ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तमाम विरोधों और कंट्रोवर्सी के बीच अदा शर्मा स्टारर फिल्म द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में धमाल मचा रही है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार द केरल स्टोरी ने 8 मई सोमवार को लगभग 4.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 8.3 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद शनिवार को फिल्म ने 11.22 करोड़ रुपए का कारोबार किया। तो वहीं रविवार को 16.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई अब 43.85 करोड़ रुपए हो गई है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के स्टार और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेरिस में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। वहीं अर्जेंटीना टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसके साथ ही मेसी पहले खिलाड़ी हो गए हैं जिन्हें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और टीम ऑफ द ईयर दोनों एक ही साथ मिले हैं।